प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एपीओ के बारे में। नोटिफिकेशन आप लोगों का आने वाला है और 2022 वाले का फाइनल रिजल्ट आने के बाद अब मेडिकल प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है 15 से 20 दिन में उन सब का ज्वाइनिंग हो जाएगा। ऐसे में अब नया नोटिफिकेशन की बात जो है वो चर्चाओं में है। इससे पहली वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि एक्सपेक्टेड है 3rd week of September तक आप लोगों का 113 वैकेंसी के लिए यूपी एपीओ का पिछले 2 नोटिफिकेशन के बाद ये सबसे बड़ा नोटिफिकेशन होगा। और इसमें भी क्योंकि कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं 2022 के, तो वैकेंट होनी है पोस्ट, वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसमें जुड़ जाएँ, जितनी भी 10-15 जो भी लोग उसमें से मजिस्ट्रेट बनेंगे। तो वैकेंसी बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, पहली बात। कल वीडियो जो मैंने बनाई थी परसों, और उसमें काफ़ी सारी क्वेरी हमारे पास आ रही हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड तो मैंने बता दिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, या आपका न्यू सिलेबस क्या होगा। जो अभी आप लोगों ने देखा है कि आपके IPC, CRPC और एविडेंस के नाम और साथ में उनके प्रावधान प्रोविजन भी चेंज हो गए हैं, तो ये 3 क्वेश्चन लाजमी हैं और इनके आंसर भी आप लोग चाहते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको इस तरह का स्टडी मटेरियल, नोट्स और अपडेट हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। अब आते हैं एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट। तो देखिएगा, एग्ज़ाम डेट तो अभी कोई है नहीं, सर्टेनिटी नहीं है, परंतु एक एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यदि सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो ऐसे मान के चलिए आप लोगों का नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा, आप लोगों का एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर तक ही। ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, यदि नोटिफिकेशन सितंबर में आता है तो दिसंबर से पहले पहले एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा। इसी को आधार मानते हुए आप लोगों को तैयारी करनी है हर हालत में, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो कट ऑफ एक्सपेक्टेड का कुछ नहीं होता है, मैं आप लोगों को क्लियर बताऊं कि ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है। अब ये जो मैं वीडियो बता दे रहा हूं, इसमें मैं कोई अनाउंसमेंट या भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, केवल एक चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से, ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमें कितना स्कोर करना है प्रीलिम्स में, बस इसका मतलब ओनली ये है। आप अदरवाइज मत लेना कि जैसे YouTube पे डालते रहते हैं या आप लोग सोचते हैं पता नहीं क्यों अपना वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, नहीं, केवल एक चर्चा है जो हमने अपने साथी टीचर्स और आपस में काफ़ी स्टूडेंट के साथ, या मैंने खुद चर्चा करने पर आप लोगों को इससे फ़ायदा ही होगा, मुझे नहीं लग रहा कि कोई नुकसान इससे होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 2000 जो आप लोगों का 22 वाला जो नोटिफिकेशन था, 18 वाला, उसकी जो जनरल की कट ऑफ थी वो 103 आपकी कट ऑफ गई थी, और OBC की गई थी आप लोगों की 104। ये 2022 वाला है, वो 18 गलत लिखा गया। तो और SC की गई थी 97 कट ऑफ प्रीलिम्स की, पोस्ट थी 44, वैकेंसी कितनी थी 44। इससे पहले 17 वैकेंसी थी जो 2018 वाला था, ये 22 वाला है, ठीक है। तो अब कट ऑफ कितनी गई, 44 वैकेंसीज पर 103 जनरल की। हालांकि जो GS वाला पार्ट था मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल की ओर था, और एक चीज़ और बताऊं, इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग के साथ है, और जो टोटल में से कितने में से 150 में से इस बार जो वैकेंसी है आप लोगों की, मतलब मैं इसी के आधार पे बता दे रहा हूँ, वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, यानी लगभग 3 times आप लोग मान के चलिएगा, 3 times वैकेंसी हैं, 3 गुना वैकेंसी हैं। तो आप लोगों को अगर विद एक्यूरेसी के साथ अगर काम करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर्म, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन बढ़ेगा, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन दिन रात बढ़ रहा है दुगने तिगना चौगनी रफ्तार से। इसलिए आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ, वैकेंसी जब ज़्यादा होती है तो इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं कैंडिडेट, और फॉर्म भी ज़्यादा फिल होते हैं, ये भी ध्यान रखना। एंड क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये कंपटीशन आपका आ रहा है, तो 113 वैकेंसी हैं आपकी, तो आप लोगों को जो टारगेट रखने हैं, टारगेट मतलब टारगेट 1/3 निगेटिव मार्किंग काटने के बाद, यानी भैया इतने तो बचने ही चाहिए। तो मैं तो आपको बस एक ही सलाह दूंगा, वो है किसी भी हालत में, चाहे आप जनरल हो, OBC हो,
बल्कि ओबीसी की तो और ज्यादा जाती है, या ईडब्ल्यूएस वाले, इन तीनों के लिए बता दे रहा हूँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, तो ये अपना टारगेट रखें भैया 105, 105 नंबर का आपको टारगेट रखना ही पड़ेगा। टारगेट मतलब इससे कम तो एक नंबर भी नहीं, इससे ऊपर ला रहे हो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। तो 105 एससी और एसटी वाले भैया, इन लोगों को अपना टारगेट रखना है, अपना टारगेट रखना है 100 वाला, बस यही मैं कहूंगा। यहां पर वैकेंसीज आपकी काफी हैं इस बार, ओबीसी की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की भी है, जनरल की भी है, तो आपको भरपूर मौका मिलेगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को प्राइमरी लेवल पर एक बेसिक हिंट दे रहा हूं कि आप लोगों को जो है ये टारगेट रखना ही रखना है हर हालत में। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, न्यू सिलेबस। तो देखो ये क्वेश्चन अभी थोड़ा कंफ्यूजन में है इसका आंसर, क्योंकि अब ये कमीशन डिसाइड करेगा और हमारी जो मिनिस्ट्री है, लॉ एनफोर्समेंट जो मिनिस्ट्री है, वही कमीशन को आदेश करेगी कि आप अपने एग्जामिनेशन के पैटर्न को चेंज कर दें। तो ये जो प्रोसीजर है इसमें टाइम लगेगा, मतलब अभी जो है इसमें टाइम लगेगा, बिकॉज अभी तो ड्राफ्ट बन के लोकसभा राज्यसभा में पेश किया गया है, अभी कमीशन एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा। तो ऐसे मान के चलिएगा कि जहां तक मैं पर्सनली कहूँ, इस एग्जाम पर अभी पुराने सिलेबस का जो नया सिलेबस है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। मतलब 1% है एक्सेप्शन, बाकी 99% यही है कि नहीं पड़ेगा यदि सरकार इतनी तेजी नहीं लाती है। बाकी आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें देख लेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। अभी आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। और जो लोग कंफ्यूजन में हैं, तो जीएस का सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ, तो अपने जीएस का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर ये पढ़नी स्टार्ट कर दीजिएगा। करंट अफेयर अगर देखो दिसंबर में होता है तो आप 1 जनवरी 2023 से करंट अफेयर स्टार्ट कर दीजिएगा फॉलो करनी, ठीक है। एंड इसके लिए एक चीज़ और बता दूं मैं कि हम लोग एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू के द्वारा, क्रैश कोर्स जीएस और लॉ पेपर के लिए। तो आप जीएस पार्ट और लॉ पार्ट के लिए आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, चाहो तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा जीएस, अखिलेश सर और मैं, और लॉ जो हैं वो हमारे मम्मी सर पढ़ा रहे हैं, तो इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इंडिविजुअल भी चाहें तो इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं। हम एक बैच पुलिस एक्ट का भी बना रहे हैं, तो आप पुलिस एक्ट का भी बैच जो है वो पढ़ सकते हैं। और एक बैच हम लोग ये 25 तारीख से स्टार्ट करेंगे ओनली करंट अफेयर का, तो ओनली करंट अफेयर का भी बैच हम आपके लिए ला रहे हैं, तो ये सभी स्टेट को कवर करेगा, ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैचेज हैं सारे 21 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 21 अगस्त से, और इसकी जो फीस, हम लोग इसकी पूरी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप हमारे ऐप से जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेज हैं, रिकॉर्डेड नोट्स, कंटेंट, टेस्ट सीरीज हम लोग इसमें दे रहे हैं। आपके अपनों ने देखा होगा इस बार भी हमारे यहाँ से 13 लोगों का एपीयू में सिलेक्शन हुआ था, जो हमारे प्री या मेंस या फिर इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा रहे थे 13 लोगों का 44 में से, ठीक है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं हमारे पब्लिक चैनल पर, और यूट्यूब पर भी इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड है। इसके साथ आप हमारा नंबर है 7500110314, इस पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं जिसको भी जानकारी चाहिए, ठीक है। यदि आपका एपीयू से रिगार्डिंग कोई और भी क्वेश्चन है तो आप बेचक हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। अभी जाइए और तुरंत ही हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा टारगेट फॉर आईक्यू, और जो भी आप वहाँ से देख सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल है काफ़ी, करंट अफेयर अपडेट हम वहाँ पे डाल रहे हैं, हमारी टीम डाल रही है, प्रॉपर हम लोग काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।